दिल्ली में किताब निकली एक्सीडेंटल पीए, दो ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाए तो 5-50 लोग मरते हैं, दो विमान टकरा जाए तो 500,000 लोग जाएंगे, दो स्कूटर टकरा जाए तो 1 या 2 जाएंगे, लेकिन ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि पूरा देश डूब गया। जो पीएमओ में काम करते थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिनको नियुक्त किया था और पीएमओ में वो काम देखते थे जो पीएमओ के लिए अत्यंत विश्वस्त काम होता है, ऐसे व्यक्ति ने कल किताब निकाली है और ये गंभीर आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसकी फाइलें पहले मैडम सोनिया जी क्लियर करती थी और उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में जाती थी, तो उनको तो फिर दिमाग लगाना ही नहीं था। मंत्री तय होते थे, मैडम सोनिया जी यहां, दफ्तर बांटे जाते थे, मैडम सोनिया जी क्या, तबादले होते थे, नियुक्तियां होती थी, मैडम सोनिया जी के यहां से। भाइयों बहनों, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार तो सुना था, लेकिन रिमोट ही सरकार चला रहा था ये कल किताब आने के बाद पता चला। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सीएजी के चीफ और भारत सरकार आमने सामने लड़ रही है, अखबार में बयानबाजी हो रही है। वो कहते हैं कोयले का घोटाला हुआ, वो कहता है सीएजी झूठ बोल रहा है, वो कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ, तो एक बड़े बुद्धिमान नेता है कांग्रेस की सरकार में, वो कहते हैं जीरो लॉस थियरी, जीरो लॉस थियरी। भाइयों बहनों, उन्होंने इसकी गरिमा को तोड़ा। हमारे देश में सीबीआई हो, बाकी और व्यवस्था हो, जिसमें जिसकी अहम भूमिका होती है वो सीबीसी है, चीफ विजिलेंस कमीशन। हिंदुस्तान में चीफ विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है, कभी भी कोई सवाल या निशान नहीं लगा, इतनी सरकारें आई, सर्वसम्मति से सीबीसी की अपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए उच्च जीवन जीने वाले उच्च चरित्रवान व्यक्ति को लाकर के बिठाया जाता था, विवाद नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसे सीबीसी को बिठाया जिसको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को डांटना पड़ा। क्या विजिलेंस कमीशन ऐसा होगा जिसके खुद पर इतने आरोप लगे हो, जो स्वयं अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो? उस गरिमा को भी उन्होंने तोड़ दिया। हिंदुस्तान में कभी भी भारत की सेना और भारत की सरकार के बीच तनाव नहीं हुआ है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए भारत की सेना चलती रही है और
और भारत के संविधान की व्यवस्था ऐसी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ऐसी रचना दी है कि न कभी सेना सर्वोपरि हो सकती है और न ही कभी सेना का सत्ता में बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है। लेकिन इन्हीं लोगों ने पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, आए दिन सेना एक कहे, सरकार दूसरा कहे, सरकार स्नेह का सेना को स्नेह करे, सेना सरकार को खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत आ जाए, क्या देश इस प्रकार से चलाते हो? लोकतंत्र में सशक्त भारत बनाता है तो व्यक्ति के सशक्त होने से नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनों के सशक्त होने से होता है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होगा, जितनी बढ़िया डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, जितने अच्छे व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करेंगे, उतना ही देश प्रगति करेगा। उनके लिए राजनीति खेलकूद का मैदान होगा, हमारे लिए राष्ट्रनीति मानव जात के कल्याण का एक मार्ग होता है और इसलिए इस मैदान में आए। आप कहते हैं देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। वाह क्या सीन है। फिर तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो चौकीदार होंगे, फिर तो आदर्श घोटाले वाले अशोक चव्हाण भी तो चौकीदार होंगे, शाहजादे जी ये दूध की रखवाली बिल्ली को देने का क्या तूत है, मैं समझाइए तो। देश में मजबूत निर्णय होए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? देश और दुनिया में मजबूती दिखाए ऐसा देश बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो सरकार भी मजबूत बनानी पड़ेगी, और मजबूत सरकार बनाने का मतलब है 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कमल आपको दिल्ली पहुंचाने हो। और महाराष्ट्र के मेरे भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है तो महायुति के उम्मीदवारों को ही विजयी बनाना पड़ेगा। महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए, महाराष्ट्र के महायुति के सभी उम्मीदवारों को विजयी बना करके दिल्ली भेजिए, मैं आपको मजबूत सरकार देने का वादा करता हूं।